छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 15वें दिन की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई। प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर ने अपने सवाल में सरकार से जानना चाहा कि पैरादान के लिए जो परिवहन किया गया, आखिरकार उसका भुगतान किस तरह से किया गया है। साथ ही अजय चंद्राकर ने पैरादान के भुगतान के मद की भी जानकारी मांगी। जवाब में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि पैरा का परिवहन स्थानीय दर पर ट्रैक्टर और अन्य उपलब्ध वाहन से किया गया है। इसके बाद अजय चंद्राकर ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की राशि गौठान को नहीं दी जा सकती, फिर किस आधार पर वित्त आयोग का पैसा दिया गया? विधायकों की कमेटी या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मामले में अजय चंद्राकर को भ्रष्टाचार की आशंका है, इसलिए प्रश्न संदर्भ समिति के मामले की जाँच कराई जाएगी। ऐसी बुद्धि आप लोगों ने कहाँ से जुटाई? उस बुद्धि को तो हमको बताइए, उससे चरण स्पर्श करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा, इसके बारे में बोल रहे हैं कि और कोई दूसरी? नहीं भैया, मेरा 11वां नंबर अच्छा। के बारे में बोल रहा हूँ। आप चरण स्पर्श करेंगे ये बुद्धि वाले का? नहीं, चरण जी बैठे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। चरण स्पर्श करेंगे उसका दिन भर कर लूंगा मैं। चलिए ठीक है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पेरा खरीदी जो की गई उसका दर किस आधार पर कैसे निर्धारित किया गया? एक सहायक प्रश्न उसी का है, 14वां वित्त आयोग और गोधन न्याय योजना जो बनाई गई थी उससे पेरा खरीदी की जा सकती है क्या? 14वां 15वां वित्त आयोग से और गोधन न्याय योजना के पैसे से पेरा खरीदी की जा सकती है क्या? दर का निर्धारण और उन दोनों मद से गोबर की खरीदी की जा सकती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा खरीदी नहीं की गई है, पैरा दान में मिला है। पैरा दान कर, चलिए ये भी अच्छा है। पैरा दान के, सही में मैं गलत प्रश्न किया था, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। पैरा दान के परिवहन में आप 14वां 15वां वित्त आयोग या गोधन न्याय योजना के राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? उसके योजना में है क्या? और 45 लाख टन को तौलाने में आपने कितना पैसा खर्च किया? कैसे निर्धारित किया उसको? माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा परिवहन के लिए जो भुगतान की राशि की गई है उसका प्रावधान योजना में था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है उसका उत्तर नहीं आया। मैंने कहा दर का निर्धारण किस आधार पर हुआ? 14वां 15वां वित्त आयोग से पैरा परिवहन किया जा सकता है, ये है क्या? दूसरा, गोधन न्याय योजना की जो योजना बनाई थी उसमें पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या? एकदम बहुत स्पष्ट प्रश्न है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो गौठान प्रबंध समितियां हैं उनको, प्रबंध समितियों को 21-22 में 24 करोड़ 80 लाख रुपए, 22-23 में 28 करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपए और इस प्रकार से कुल 53 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए की राशि इनको दी गई है जो गौठान समितियां हैं, और गौठान समितियों ने परिवहन में इसका व्यय किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 14वें और 15वें वित्त आयोग की जो राशि है उसमें से इसको गौठानों को राशि। मेरा उत्तर नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। 14वें 15वें वित्त आयोग की एक पंचायत बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए कि इस पंचायत या इस जिले से इतनी राशि गोठान समिति को स्थानांतरित की गई, जो आपने कहा गोठान समिति को स्थानांतरित की गई 14वें 15वें। एक उदाहरण बता दीजिए कौन से जिले में किस प्रक्रिया के तहत उसको स्थानांतरित की गई, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। सभी जिलों में और सभी गोठानों को स्थानांतरित की गई। ये फिर परिशिष्ट देख लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वें 15वें वित्त आयोग से सिर्फ 3 जिले में भुगतान हुआ है, सभी में कहां से आ जाएगा? सिर्फ 3 जिले में भुगतान हुआ, आप परिशिष्ट देख लीजिए। तो माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं अभी कहे कि सभी जिलों में 14वें 15वें वित्त आयोग से भुगतान हुआ है, बाकी जगह गोधन न्याय से भुगतान हुआ है। तो आप जब 3 जिले में भुगतान हुआ तो आपने कैसे कह दिया कि सभी जिलों में? नहीं है, 14वें 15वें वित्त आयोग की राशि में रखरखाव का एक मद है और दूसरा जो मूल अनुदान का अनाबद्ध राशि। माननीय 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि में 10% पैसा इस काम में खर्च करने की अनुमति है और उसी राशि से ये पैसा खर्च किया गया है। गोधन न्याय योजना के मद से 53 करोड़ 50 लाख रुपए दिया गया है जो मजदूरी और परिवहन व्यय में खर्च किया गया। और आपने शेष से गोबर ये परिवहन नहीं किया?
शेष की राशि से पैरा परिवहन किया है कि नहीं किया, ये बता दीजिए मुझको। ये मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता दूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके सामने प्रमाण दे रहा हूँ कि 14 दिसंबर जी ये प्रश्न कथा पहले चली जो हमेशा गोबर भरे, जब देखे गोबर गोबर गोबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम कुमार जी आप बैठिए। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अलग से जानकारी नहीं चाहिए, यदि मुझे सदन में चाहिए जानकारी। यदि आप अधिकारी बैठे नहीं संतुष्ट नहीं है तो दूसरे विकल्प भी होते हैं प्रश्नकाल में, यदि संतुष्ट नहीं है तो चर्चा भी ले सकते हैं। सर आप 4 दिन का समय है, यदि आप चर्चा स्वीकृत करेंगे तो मैं चर्चा कर दूंगा, उसको नहीं पूछा। माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत क्लियर कट है कि मैं प्रमाण दे रहा हूं कि शेष की राशि का मैंने बताया कि पैरा ढुलाई के लिए उपयोग हुआ है, जिसको इसमें छिपाया गया। मैं अभी टेबल कर सकता हूं उस प्रमाण को, आप अनुमति देंगे तो। मैं ये कह रहा हूं कि पैरा ढुलाई में दूरी के आधार पर आप जो 250-285 से 1000 बता रहे हैं, एक जिला आपने भुगतान किया होगा 14-15 वित्त आयोग से, कोई भी एक जिला पकड़ लीजिए उसमें जांच करवा दीजिए यदि पैरा हुआ। आप प्रश्न कर लीजिए ना। अरे साहब मैं आप सीधे प्रश्न कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवाएंगे क्या विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है? विजयवान जी जांच कराएंगे क्या? निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक समिति से। चलिए विधायक पूर्व मंत्री जी इस